आ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास सिक्स चैप्टर नाइन द डायमेंशंस ऑफ सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिफाइन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। आंसर, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट आर ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मटेरियल। जो प्योर सब्सटेंसेस होती हैं वो ओनली क्या होती हैं, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस मीन वन टाइप ऑफ मटेरियल से बनी होती है। जैसे कि वाटर, जो वाटर होता है प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर में ओनली क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें ना ही कोई इम्प्योरिटी होती ना ही कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओनली क्या होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स, मतलब वो प्योर सब्सटेंस है। साल्ट, साल्ट में क्या होते हैं ओनली साल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड शुगर आल्सो, शुगर में क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेन वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होती है। मिक्सचर्स, मिक्सचर्स आर द सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में क्या होते हैं, जब जिसमें क्या होता है, टू और मोर देन टू टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस मिक्स होती है। उसमें क्या होता है, मिक्सचर में टू और मोर देन टू टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होती है, मिक्स होती है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट डाउन द प्रेफर्ड मेथड्स ऑफ सेपरेशन फॉर द फॉलोइंग मिक्सचर्स। हमने क्या राइट करना है, हमारे पास मिक्सचर्स हैं और उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। मिक्सचर कौन सा मिक्सचर है, आयरन डस्ट एंड एल्युमिनियम पाउडर, मेन मेटल्स का मिक्सचर है। कौन कौन सी मेटल्स हैं, आयरन एंड एल्युमिनियम, तो इनको हम सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि आयरन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। सेकेंड, डीजल एंड वाटर, डीजल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड यूज करेंगे, डेकेंटेशन, बिकॉज डीजल एंड वाटर डू नॉट डीजल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स एंड डू नॉट डिजोल्व विद ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर्स, दैट्स वाई वी कैन सेपरेट दैम बाय द मेथड ऑफ डेकेंटेशन। व्हीट ग्रेन एंड चाफ, कौन सा मिक्सचर है हमारे पास अभी, व्हीट ग्रेन्स एंड चाफ, और व्हीट ग्रेन्स और चाफ को सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, विनोइंग। जब क्या होता है, मिक्सचर में वन हैवियर कंपोनेंट होता है, वन क्या होता है, लाइटर कंपोनेंट होता है। जैसे कि व्हीट ग्रेन क्या है, हैवियर कंपोनेंट है, चाफ क्या है, लाइटर कंपोनेंट, तो उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, विनोइंग। क्ले एंड वाटर, और मेन जो वाटर में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, जो वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, यू कैन से सोल्यूशन में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, लोडिंग। लोडिंग में हम क्या करते हैं, मतलब नदर। क्वेश्चन नंबर एट, इन वट कंडीशन इज विनोइंग यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब जो विनोइंग है, विनोइंग होती है, विनोइंग का प्रोसेस होता है, हम किस टाइप ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। विनोइंग इज यूज्ड व्हेन वन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज लाइट एनफ टू बी कैरिड अवे विद विंड व्हाइल द अदर कैन नॉट बी कैरिड अवे बाय विंड। विनोइंग इज यूज्ड व्हेन व्हेन द वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज लाइटर। विनोइंग हम कब यूज करते हैं, जब मिक्सचर में वन कंपोनेंट क्या होता है, लाइटर होता है, एनफ टू बी कैरिड अवे बाय विंड, एंड इतना लाइटर होता है, इतना हल्का होता है कि वो विंड के साथ दूर चले जाए, मतलब विंड के साथ फ्लो कर कर दूर चला जाए। वाइल द अदर्स कैन नॉट बी कैरिड अवे बाय विंड, जो अंदर कंपोनेंट होता है मिक्सचर का वो क्या होता है, हैवियर कंपोनेंट होता है, एंड दैट कैन नॉट बी कैरिड अवे बाय द विंड। क्वेश्चन नंबर नाइन, वट इज द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीविंग। कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड वाइट मार्बल्स बाय सीविंग, वाई और वाई नॉट। वाई, वट इज द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीविंग, मतलब सीविंग मतलब किस तरह के मिक्सचर के ऊपर हम सीविंग, जो सीविंग मेथड होता है, किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो सीविंग होता है, किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्या हम ब्लैक एंड वाइट जो मार्बल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए सीविंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आंसर, सेपरेशन ऑफ बाय सीविंग इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द साइज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर।
जो सीविंग मेथड होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, जो मिक्सचर में डिफरेंट साइज कंपोनेंट्स होते हैं, जो मिक्सचर में क्या होते हैं डिफरेंट साइज कंपोनेंट्स होते हैं, वी कैन नॉट सेपरेट द ब्लैक एंड वाइट मार्बल्स बाय सीविंग एज दे आर ओनली डिफरेंट इन कलर्स बट नॉट डिफरेंट इन साइज। जो ब्लैक एंड वाइट मार्बल्स होते हैं हम उनको सीविंग मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है डिफरेंट इन कलर्स हैं, मतलब उनके अलग अलग कलर्स हैं, बट उनका साइज़ हम सीविंग कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर साइज डिफरेंट होता है, मिक्सचर मिक्सचर के कंपोनेंट्स का साइज डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फिल्ट्रेशन फ्रॉम डेली लाइफ, मतलब जो हमारी डेली लाइफ से हमने एग्जाम्पल देनी है फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू फिल्टर द टी लीव्स फ्रॉम द टी एक्सट्रैक्ट, जो हम चाय पीते हैं मतलब चाय में से जो टी लीव्स होते हैं ब्लैक कलर, उसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। सेकेंड, फिल्ट्रेशन इज यूज्ड इन टैप्स एट होम्स टू रिमूव द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, जो फिल्ट्रेशन हमारे और घरों में कहाँ जो यूज होता है टैप्स, जहाँ पर क्या होता है टैप वाटर आता है, जिसमें क्या होता है मेम्ब्रेन लगी होती है, जो मेम्ब्रेन क्या करती है टैप वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सेपरेट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन मेक ए सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, एक्सप्लेन। टू मेक ए सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट वन नीड टू कीप ऑन डिजोल्विंग साल्ट इन स्मॉल अमाउंट इन वाटर, अगर आपको क्या करना है सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में वाटर में क्या डिजोल्व करना होगा, साल्ट डिजोल्व करना होगा। जब तक वाटर में साल्ट डिजोल्व हो रहा है ठीक है, तब तक आपको वाटर में स्मॉल स्मॉल अमाउंट में क्या करना होगा, साल्ट डिजोल्व करना होगा। व्हेन द एडिशनल साल्ट स्टॉप डिजोल्विंग, जब मतलब साल्ट डिजोल्व होना बंद हो गया, वन कैन फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव एनी अनडिजोल्व साल्ट, ठीक है। फिर तो हमने क्या करना है, जब साल्ट डिजोल्व होना बंद हो गया तो हमने क्या कर देना है, उस सोल्यूशन को फिल्टर कर देना है, ताकि जो उसमें जो अनडिजोल्व साल्ट होता है, जो साल्ट खुलता नहीं, उसको हम क्या कर सकें सेपरेट कर सकें। ऑन सेपरेशन द अनडिजोल्व साल्ट रिमेनिंग सोल्यूशन विल बी सेचुरेटेड सोल्यूशन, ऑन सेपरेशन द अनडिजोल्व साल्ट, जो कि हमने अनडिजोल्व साल्ट जो डिजोल्व नहीं हुआ था साल्ट, उसको सेपरेट करने के बाद जो सोल्यूशन होता है, जो हमारे पास जिसमें साल्ट डिजोल्व किया हुआ है, वो क्या होगा सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा वो। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन वी डिजोल्व एन एडिशनल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सेचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब जो हमारे पास एक क्या है किसी साल्ट का सेचुरेटेड सोल्यूशन है, तो अगर हमने उसमें और साल्ट डिजोल्व करना तो वो हम कैसे करेंगे, बाय हीटिंग ए सेचुरेटेड सोल्यूशन वी विल बी एबल टू डिजोल्व मोर सोल्यूट इन इट, अगर हम सेचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म करते हैं हीटिंग करते हैं तो हम उसमें क्या होंगे और भी मतलब सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ यू विल सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर्स, आपको मिक्सचर दिए गए हैं और आपने से बताना है कि उसको उनको सेपरेट कैसे करोगे। आ चिक पीस आयरन डस्ट सैंड, आंसर वन कैन रिमूव द चिक पीस फ्रॉम द आयरन डस्ट एंड द सैंड बाय इधर सीविंग और हैंड पिकिंग। वन कैन रिमूव द चिक पीस फ्रॉम द आयरन डस्ट एंड सैंड बाय इधर सीविंग और, मतलब जो अगर हमने चिक पीस से आयरन डस्ट से आयरन डस्ट सैंड और आयरन चिक पीक से चिक पीस के मिक्सचर से हमने अगर इनको सेपरेट करना, तो हम चिक पीस को कैसे सेपरेट करेंगे, बाय सीविंग और हैंड पिकिंग, दोनों मेथड से दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड से, सीविंग एंड हैंड पिकिंग। द रिमेनिंग आयरन डस्ट एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट, एज द आयरन डस्ट विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जैसे कि अभी क्या रह गया मिक्सचर में आयरन डस्ट और सैंड रह जाएगी, और आयरन आयरन आपको मालूम है मैग्नेटिक मटेरियल है, तो और सैंड क्या है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो आयरन डस्ट और सैंड को मतलब के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम मैग्नेट यूज़ करेंगे ठीक है। मैग्नेट की हेल्प से जो आयरन डस्ट है मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी और स्टिक हो जाएगी इसके ऊपर, और क्या दोनों मिक्सचर क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे। पीबल्स
अभी किसको सेपरेट करना है, पेबल्स, पल्सेस एंड मस्टर्ड ऑयल, इन तीनों को सेपरेट करना है। मस्टर्ड ऑयल कैन बी सेपरेट फ्रॉम द पल्सेस एंड पेबल्स बाय फिल्ट्रेशन। जैसे कि आपको मालूम है मस्टर्ड ऑयल क्या है, लिक्विड है, तो मस्टर्ड ऑयल को सेपरेट करने के लिए पेबल्स और पल्सेस से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, पेबल्स क्या होते हैं कंकर, तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कर कर मतलब मस्टर्ड ऑयल फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, बट पेबल्स एंड पल्सेस क्या रह जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। द पेबल्स एंड पल्सेस कैन बी सेपरेटेड इधर बाय हैंड पिकिंग और सेविंग। जो पेबल्स और पल्सेस रह गए और किससे सेपरेट कर सकते हैं, हम हैंड पिकिंग से और सेविंग से। जैसे हमारे घरों में किससे कौन सा मेथड यूज़ करते हैं पल्सेस में से पेबल्स निकालने के लिए, हैंड पिकिंग। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज वन स्ट्रॉन्गली एडवाइज नॉट टू ड्रिंक डिस्टिल्ड वाटर। मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, ठीक है, उसको मतलब पीना क्यों नहीं चाहिए। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो मतलब प्योर वाटर होता है, उसको मतलब फुली प्योर वाटर होता है, उसको हम पीना क्यों नहीं पी सकते। ड्रिंकिंग डिस्टिल्ड वाटर इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ बिकॉज इट कैन लीड टू स्केयरसिटी ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी। जैसे हम ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, प्योर वाटर पीते हैं, उसमें क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं कम अमाउंट में होते हैं, इसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, मिनरल्स की स्केयरसिटी हो जाएगी, मीन कमी हो जाएगी मिनरल्स की। डिस्टिल्ड वाटर इज अ हाईली प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है क्या होता है, वो हाईली प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है एंड डज नॉट कंटेन द मिनरल्स दैट आर फाउंड इन फॉर्मल नॉर्मल वाटर। और उसमें उनमें कोई ऐसे मिनरल्स नहीं होते जो नॉर्मल वाटर में पाए जाते हैं। देयरफॉर सच वाटर इज नॉट हेल्थी फॉर ड्रिंकिंग। इसलिए जो क्या होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो ड्रिंकिंग के लिए हेल्थी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डोंट क्ले पार्टिकल सेटल डाउन इन वाटर, व्हाट कैन बी डन टू मेक देम सेटल डाउन इन वाटर। जो क्ले पार्टिकल, अगर क्या करते हैं हम क्ले को वाटर में मिक्स करते हैं, तो क्ले पार्टिकल वाटर में सेटल डाउन नहीं करते, वो क्या करते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। अगर उनको, अगर हमने क्ले पार्टिकल्स को सेटल डाउन कराना है, तो हम क्या करेंगे उसमें, क्ले पार्टिकल्स आर वेरी लाइट एंड सो दे डू नॉट सेटल डाउन इन वाटर। जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी लाइट होते हैं, मतलब बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वो क्या कर वाटर में जल्दी जल्दी सेटल डाउन नहीं करते वो। एलम कैन बी एडेड इन वाटर टू मेक अ क्ले पार्टिकल सेटल डाउन। हम क्या कर सकते हैं, क्ले और वाटर के मिक्सचर में हम क्या कर सकते हैं, एलम ऐड कर सकते हैं। एलम क्या होती है, फटकड़ी ऐड कर सकते हैं, जो क्या करती है, क्ले पार्टिकल्स को बॉटम में सेटल डाउन करने में हेल्प करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं।